अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो ये है जी शहरी का टाइम और इस टाइम पे अम्मी बना रही थी पराठे और मैं बता दूं ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सा व्लॉग होने वाला है इफ्तार पार्टी व्लॉग है और बहुत मज़े आने वाले हैं ज़रूर देखिएगा एक तरह से कह सकते हैं अचानक वाली पार्टी हो गई थी हमारी इफ्तार पार्टी अच्छा खैर शहरी में अम्मी बना रही थी पराठे तो अम्मी क्या किया था जल्दी से पेड़े बना के उसको देने लगी थी मैंने बोला मम्मी मैं सैरी में मतलब मैं इसको सेक देती हूँ पराठा को और आप ना जल्दी-जल्दी से बना लेना कि सेकें पराठे नहीं तो ये जिम्मेदारी मैं ही निभा रही होती आज मैं उठकर ही नहीं आई अपने रूम में से मैंने कहा कि जाओ तुम चाय चढ़ाओ और मम्मी ने पराठे बनाने थे क्योंकि कुछ बनाना तो होता नहीं है खास तो मैंने कहा मैं लेटी हुई हूँ नहीं तो नॉर्मली मैं उठकर आती हूँ और मैं चाय वाय चढ़ाती हूँ फिर जोया आ जाती है मेरे साथ साथ ना हाँ। मैंने कहा आज तुम शरी जाओ जोया ना तो देखें आज जोया पराठे सेक रही है और आप लोग बता देगा बता देगा कैसे सेके? मैंने कैसे सेके? मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस <laughs> नहीं है पराठे सेकने में बता दीजिएगा बस तारीफ चाहिए अरे बताओ वह अच्छा लगता है ना तारीफ आप लोग जब करते हैं और दिल से जब अप्रिशिएट करते हैं ना आ क्या मजे आते हैं और जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना सारे मिला मिला के और है। इसका हमें इतने आपको पता है ना जोया का तो पता ही है आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा अच्छा यहाँ पर जोया ने पराठे जोया सीख रही है और साथ में हमने अंडे फ्राई करवाए थे और मैंने किए थे मैंने किए थे क्योंकि क्या कहते हैं हम लोगों ने रात में अम्मी ने कुछ बनाया नहीं था हमने मना कर दिया था क्योंकि एक दिन पहले कोफ्ते वगैरह खाए थे और कोफ्ते थे भी रखे हुए हमने मम्मी से कहा इसको प्लीज आप फ्रीजर में रख दे अभी सहरी में दिल नहीं चाह रहा और काफी सारे बच गए मैंने कहा एक दो दिन के बाद निकाल लीजिएगा अभी प्लीज रख दे सैरी में ना और अम्मी को ये होता है ये है तो प्लीज इसी को खा लो तुमने कहा हम खा लेंगे वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा वो इतना हैवी, हैवी खाया नहीं जाता एक साथ नहीं खाया जाता है तो बस हमने इधर अंडा पराठा खाया था और चाय पी थी और बस यही थी आज की हमारी सैरी और ये सामने बिस्किट बैठ के खा रहा निहाल क्योंकि उसके पापे ख़त्म हो गए थे <laughs> मतलब उसका ना सिर्फ वो डिप करके ही खाता है एक ना आप कह रहे वो क्या कहते हैं उसका एक नशा है उसके लिए चाय सिर्फ डिप करके खाता है चाय पीता नहीं है ये बच्चा हमारा शुरू से ही ऐसा है और ये बचपन से ही कॉफ़ी पीता चाय नहीं पीता लेकिन गर्मियों में नहीं पीता कॉफ़ी गर्मियों में बहुत कम पीता है गर्मियों में कहते हैं जरा है, नखरे दिखाता है कहते है, कोल्ड कॉफी बना के दो मुझको तो वो हम बना के ये हाँ देते हमारा देते नखरीला बच्चा है बिल्कुल और अच्छा आ जाते हैं दोपहर के टाइम पे और दोपहर के टाइम जैसे कि आप सबको पता ही था जुमे का दिन था तो मैंने बोला चलो जल्दी से तैयारी करते हैं प्रेस करती हूँ और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और अब ये जा चुकी थी ऑलरेडी जुम्मे के दिन ना यूँ फटाफट गुजर रहा होता है टाइम बहुत जल्दी गुजरता है क्योंकि रमजान ने पता है आपको हम लोग तो खैर जाग रहे होते हैं सुबह तक और हम सात बजे सोते हैं तकरीबन आठ बजे तक सोना होता है हमारा तो फिर हम उठते भी लेट है तकरीबन बारह बजे कभी एक बजे समटाइम हमें दो भी बज जाते हैं सोते सोते हैं ना अगर ज्यादा था अगर ज्यादा थके हुए होते हैं तो, तो इसलिए ना फिर हमारा टाइम ऐसे ही भाग रहा होता है बस हम लोग जल्दी जल्दी से उठते हैं आज तो हम उठ गए थे हम साढ़े बारह उठ गए थे हम लोग क्योंकि हमें बताता है जुम्मा है और हमें सुबह में उठ के नहाना है कपड़े वगैरह चेंज करने हैं और अच्छा लगता है जुम्मे वाले दिन कि वैसे तो हर जुम्मे को ही करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन ये रमज़ान में ही होता ज़रा अच्छा कोई साफ सुथरा सा सूट निकालो या तो नया सूट निकालो नया सूट रखा हुआ है मेरे पास मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसको थोड़ा सा सही करना है गला वगैरह उसका और थोड़ा सा सिलाई का काम है नहीं तो मैं वो पहन लेती खैर यहाँ पे जोया ने कपड़े प्रेस करे अपने चेंज कर लिए थे और मैंने बगैर प्रेस के कपड़े पहने थे मैंने कहा जरूरत क्या है प्रेस करने की बिजली बचाओ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट और उसके लिए मैं बैठ गई थी फल लेके और अम्मी ने कहा मुझे बता दो कोई काम तो अम्मी को हम अक्सर ऐसा होता है कहते हैं कि नहीं आप काम नहीं कर रहे जैसे अम्मी तो खाना वगैरह तो अम्मी बनाती हैं लेकिन बाकी के जो काम होते हैं वो सारे हम ही लोग कर रहे होते हैं तो कभी कभार वो परेशान हो जाती हैं कहती यार कोई तो काम बता दो मुझे तो वो मेरे पास <laughs> अच्छा बैठ गई थी केले छीलने के लिए केले अम्मी छील के दे रही थी और जिस टाइम पर आप यह फ्रूट चाट हाँ। बना रही थी हम लोग ना असल में अपनी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं साढ़े बजे के करीब और हमारी रोज़ की रूटीन यही होती है साढ़े बजे हम किचन में मतलब डिसाइड करते हैं कि आज बनाना क्या है करना क्या है तो उस टाइम पर हम स्टार्ट करते हैं अब यह बनाने लगी थी फ्रूट चाट तो उसी था मेरे पास कॉल आई हमारे मामू की कि भाई घर पे हो और सही है क्या-क्या बना रहे हो आए <laughs> हाँ हम लोग ना हाँ उन्होंने कहा हमने कहा भाई आ जाए मोस्ट वेलकम अच्छा इतनी देर में उन्होंने कॉल करी और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा बस अब स्पीड पकड़ लो क्योंकि देखो हम लोग तो बना रहे होते हैं हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बना रहे होते वैसे भी इफ्तार में आज हमारा इरादा था पकौड़े बनाने का क्योंकि अब्बू ने कहा था कि यार पकौड़े बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने बनाए नहीं है तो पकौड़े बनाना तो हमने कहा चलो ठीक है लेकिन वो अपने हिसाब से बना रहे थे फिर फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें बढ़ाई और जोया ने जल्दी से स्पीड दिखाई मैंने भी स्पीड दिखाई इधर मैं बना रही हूँ अच्छा इधर जोया सैलड बना रही है जोया ने कहा आज मैं रशियन सैलड बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं बना रही थी माश की दाल के दही बड़े अच्छा ये जो मैं आपको दही बड़े का पैकेट दिखा रही हूँ दही बड़े का नहीं माश की दाल का जो पाउडर है उसका पैकेट दिखा रही हूँ ये मैंने इम्तियाज़ से खरीदा हुआ है वहाँ से मिल जाता है इजीली और इसके अंदर सोडा ऐड होता है पहले से लेकिन मैं फिर भी इसमें बिल्कुल वन पिंच हल्की वाली पिंच नहीं होती वो मैं ऐड कर देती हूँ एहतियातन ऐड कर देती हूँ और इससे अच्छे जल्दी से बन जाते हैं अच्छा इसकी ट्रिक ये है कि आपने करना इसको पानी से घोलना है और उसके बाद इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा और इधर टाइम कम था हमारे पास तो मैंने सोचा कि ना मैं इसको घोल लेती हूँ साथ साथ मैंने बेसन को भी घोल लिया था उसके अंदर मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया था वैसे ही क्योंकि इन दोनों चीज़ों को रेस्ट देना ज़रूरी होता है रेस्ट देने के बाद ये चीज़ें अच्छी बनती हैं अच्छा यहाँ पर ये जो माँश की दाल का आटा है ना इसके अंदर ना यहाँ से जो मिलता है थोड़ा सा दरदरा होता है आप कह लें मोटा मोटा सा होता है हल्का सा हाँ, तो दाना था भी लेकिन होता है दिखने में लगता है आपको हल्का सा और जो हम चक्की के पास से मंगवाते हैं चक्की वाले से लेते हैं तो वो तो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है तो बस ये दो फर्क होते है लेकिन इससे भी अच्छी चीजें बन जाती हैं अच्छा ये काफी पहले का खरीदा रखा हुआ था मैंने और मैंने ये सोचा था कि इससे ना मैं दही बड़े बनाऊंगी प्रिपरेशन में बनाऊंगी लेकिन मैं बना नहीं सकी थी तो आज मैंने कहा चलो यूज़ कर लेती हूँ हाँ क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था और उसके बाद अपिया ने जाहिर सी बात है फ्रूट चाट को भी बढ़ाया जल्दी से और उसके बाद आज आप यह बना रही थी क्रीमी फ्रूट चाट और उसके लिए अपिया ने इसमें ऐड कर दी थी आइसिंग शुगर ऐड कर दी थी क्योंकि उसे जल्दी से मिक्स करके रखना था कि फ़्रिज में चली जाए इसमें अपिया ने टू टेबल स्पून हीट ऐड किया है चीज़ क्रीम चीज़ ऐड किया है फिर क्रीम ऐड कर देंगी जो कि मिल्क पैक वाली रखी हुई है वो पूरा पैकेट आई थिंक आपकी नहीं 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 पूरा पैकेट नहीं डा, डाला था मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम ऐड हाँ। किया था इस पे। मैंने ना अंदाजे से ही ऐड किया था वैसे मैं कम ही ऐड करती हूँ मामू ये लोग आ रहे थे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया था नहीं तो मेरा ये होता है थ्री या फ़ोर टेबल स्पून ज़्यादा नहीं मतलब क्रीम वाली चाट खाओ लेकिन जरूरी नहीं है इतने एक्स्ट्रा फैट्स खाने की तो उतनी ज़्यादा क्रीम ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत लिक्विड ही हो जाता है ज़रा क्रीम वाली चाट ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना वो क्रीम हल्की सी उस पर लगी हुई हो बस लिपटी हुई हो बहुत ज़्यादा रन नहीं होना चाहिए hmm. तो अच्छा नहीं लगता है तो खैर यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी अच्छा इसके अंदर मैंने किशमिश ऐड की थी और वो भी क्या कहते हैं मुझे पैकेट खोलना पड़ता नहीं तो मैंने क्या करा उसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी <laughs> मतलब हाथ में आई जितनी मेरे हाथ में आई मतलब में जितनी थी ना और उसको मुझे रिफिल करना था मैंने किया नहीं लेकिन इसको बस मैंने धो के और इसको साफ़ करके और फिर मैंने बस यही ऐड कर दी थी क्योंकि इसका टेस्ट इसके साथ अच्छा लगता है। और उसके बाद इसको रख दिया था फ्रिज में ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए और साथ साथ अपिया को फिर बनाने थे दही बड़े क्योंकि उसको भी ज़ाहिर से बात है थोड़ा टाइम देना होता है और रचने के लिए टाइम तक तकरीबन तक तक तकरीबन पौने छः या छः बजने में पाँच मिनट छः बज छः बज रहे थे छः बज रहे थे क्योंकि ठीक मैंने आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट किया था अच्छा फ्राई करने से पहले मैं बता दूँ को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था आप लोग भी ये करिएगा थोड़ा सा फेंट लीजिएगा और साइड पे अम्मी को हमने वेजिटेबल्स दे दी थी कि आप मम्मी इसको कट कर दें उसके पकोड़े लिए है के लिए। के लिए ना ताकि ये कि मैं पकोड़े फिर जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी यहाँ पर बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छा ये ना अच्छे खासे बड़े साइज़ के हो जाते हैं तो ना ज़रा नॉर्मल साइज़ के बनाइएगा आज भी मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे क्योंकि बेचारे पानी में जाके थोड़े फैल जाते हैं हाँ, <laughs> बहुत इनका साइज ना डबल हाँ, हो जाता है का, का, काफ़ी बढ़ जाता है इनका साइज़ ना और क्या कहते हैं इसको इसके ना तकरीबन दो बैच बने थे तो मैंने थोड़े से दही बड़े बड़े जो थे ना वो मैंने निकाल के फ्रीज़ कर दिए ठंडा करने के बाद और ये जब बन गए थे तो उसके बाद में आ गई फ़ौरन से क्या कहते हैं ये पकड़े बनाने के बनाने के लिए, लिए। इधर अम्मी को दे दिया अम्मी था को मैंने दे दिए थे दही बड़े ना हाँ। मैंने कहा अम्मी आप पूछ रही थी क्या काम करूं मैं काम <laughs> तो मैंने कहा आप ना ये दही बड़े ले आप इसको ट्रे में सेट कर दे अच्छे से और ही कर लीजिएगा और ये रिकॉर्डिंग थी कभी दर, कभी इधर मैं भागती फिर रही थी और साथ साथ मेरी सैलेड भी चल रही थी पता है मैं बार बार जा रही थी उस थोड़ा सा काम कर रही थी फिर आ रही थी जोया इस तरह से कभी किसी को डिश चाहिए कभी किसी को ये चाहिए मैं भागती फिर रही थी पूरे पूरे घर में आज मैं भागी हूँ जोर जोर से भागी अच्छा खैर मैं आ गई थी सैलड बनाने के लिए फ़ाइनली और फाइनली सैलड के लिए मैंने क्या लिया है मैंने मेोनिस लिया है तकरीबन आधा कप से ज़्यादा लिया था इसमें मैंने आइसिंग शुगर डाली है सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा आ, काली काली मिर्च का पाउडर डाला है ठीक है अब इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी मैंने ये कॉर्नस निकाले हुए थे जो फ्रीज वाले थे फ्रोज़न कॉर्नस निकाले थे उसके अलावा मैंने एक कप मैक्रो डेढ़ कप मैक्रोनी बॉयल कर ली थी और इसके अलावा सैलड में क्या लिया है मैंने दो तरह की गोभी ली है मतलब पर्पल वाली भी ली है व्हाइट वाली भी ली है इसके अलावा गाजर ली है शिमला मिर्च ली है कीड़ा लिया है हा बस इतना ही लिया था और इतनी अच्छी वाली सैलेड बनी थी अच्छा है इसमें थोड़ा सा कॉकटेल रखा हुआ था तो वो भी मैंने छोटा क्वांटिटी के हिसाब से वैसे कम है तो हाँ। मैंने आज क्योंकि जो अभी अवेलेबल था जल्दी से बना लिया हाँ। नहीं तो एप्पल्स वगैरह इसमें डल डल जाते या फिर पाइन डल जाता तो ये और मतलब सोने पर सुहागा वाली हाँ। बन जाती ये सैलेड बहुत मजेदार बनती है कोई फ्रूट जरूर ऐड कर दीजिएगा ये वाली सैलड इस वाली सैलड के अंदर लेकिन इतनी कलरफुल इतनी कलरफुल और इतनी मजेदार सी ये सैलेड बन के तैयार हुई थी ना मामू ये लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे अच्छा खैर उसके बाद फटाफट से मैं आई मैं अपिया ने बोला क्योंकि मैं पकौड़े तैयार कर रही हूँ फ्राई कर रही हूँ तो ना मुझे जल्दी से समोसे ला के दे दो और जो भी कुछ फ्राइंग के लिए है ना मुझे ला के दे दो क्योंकि ना टाइम बिल्कुल शॉर्ट वाला रह गया था बहुत शॉर्ट वाला इस रह मैं गया आपको बताऊँ टाइम हो गया था तकरीबन आधा घंटा रहता था हाँ साढ़े छः हो गए थे और ये लोग आ चुके थे ये लोग आ गए थे सवा छः बजे तक ना और उसके बाद बस ये क्या कहते हैं मामू हमारे सर पे खड़े हुए थे फ्राइंग कर रहे थे देख रहे थे कितना टाइम कि कि करो क्या क्या कर रही हो तो हमने यार हमें करनी है ना। हम अंडे मैश रही थी पकौड़े डालने के बाद में अंडों को ना वो क्या कहते हैं मैश कर रही थी अंडे बॉयल रहे थे हमने सैंडविचेस बनाने के लिए तो मैं मैश कर रही थी मैश करते करते मैंने देखा मुझे पकौड़ों को टर्न करना है मैंने मामू उधर ही खड़े हुए थे मैंने कहा मामू इसको जल्दी से मैश करते <laughs> आज इन लोगों से भी हमने कहा करवाया खैर असल में क्या है ये था कि आ रहे हैं और हमें ये भी होता है कि बच्चे छोटे तो उनके हिसाब से भी हम जरा देख ले हाँ। चीजें के वो खा लें क्योंकि वो लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते और हमारे हर चीज में आपको स्पाइसी फूड ही मिलेगा हमारे यहाँ स्पाइसेस इतने ज्यादा खाए जाते हैं हाँ। अच्छा ये मैं अंडे का जो सैंडविच बन रहा है मैं बता देती हूँ तीन अदर अंडे लिए थे तो उनको हमने बॉईल कर लिया आज हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि काम तो, भी बहुत जल्दी काम भी हमने बहुत जल्दी जल्दी किया था उसके अंदर बस म्योनीस ऐड किया थोड़ा सा बटर ऐड किया है काली मिर्च नमक बस और चीज़ें ऐड करिए उसके बाद इसको ब्रेड पे हम स्प्रेड कर देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करिएगा ताकि जरा अच्छा लगे हाँ जायका आना चाहिए ना और उसके बाद बस बा... स्प्रेड करने के बाद इसको मैंने कट कर लिया था और सैंडविचेस हो गए थे तैयार क्योंकि यार, यार ख्याल रखना पड़ता है और हम तो स्पाइसिस खा लेंगे हम कुछ भी खा लेंगे पकौड़े खा लेंगे समोसे खा लेंगे लेकिन बच्चों का ख्याल लाजमी रखा करें आपके घर में भी कोई भी गेस्ट आए तो जरूर ये सोचा करें कि उनके बच्चे क्या खाएंगे क्योंकि हम बड़ों के हिसाब से तो मैन्यू खा ले रहे हैं फिर बच्चे क्या खाएंगे ये भी सोचना पड़ता है अच्छा बच्चों के लिए सोचा मैंने, सोच मैंने सोच फ्राई कर लेंगे बच्चों को तो पसंद होते हैं और शुक्र हाँ, खैर तो खैर लगा लगा हाँ। हाँ। जैसे जैसे जो चीज रेडी होती जा रही थी तो हमने टाइम से लगा दिया था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लास्ट के मोमेंट पे हम आराम से बैठ गए थे बैठ के धुआ कर ली थी फिर रोजा खुल गया था तो ये सारी चीज़ें हमने भागते दौड़ते जल्दी से तैयार करी और बस इतना ही कर सके इससे ज़्यादा मैंने कहा यार आप लोगों ने टाइम इतनी कम टाइम दिया हम लोगों को ज़रा पहले कॉल करते तो ज़्यादा ज़्यादा मज़ा आता हम और कुछ भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा तो तो दिमाग खराब मामू <laughs> कहने लगे कि दिमाग ख़राब हो गया इतना कुछ तो बना लिए माशा से तुम लोगों ने और जल्दी कर लिया तुम लोगों ने खैर हमारी तो ना ये पार्टी हो गई पूरी मैंने कहा आज तो यार पार्टी हो गई मज़ा आया भागते दौड़ते काम कर करा तो एक होता है ना अगर आप पहले से पता हो तो सुकून से काम करते तो फिर एक वो, वो फिर अलग बात होती है मैदान वाली बात होती है लेकिन, लेकिन आज मैनेज हो गया था अल्लाह का शुक्र है अम्मी से बनवाए <laughs> दो शरबत बना लिए थे एक रू अफजा बना लिया था और एक स्कॉश बना लिया था और लेकिन आज भागते दौड़ते काम तो किए लेकिन इतना मज़ा आया इतना मज़ा आया बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे इतना भाग रही है अपिया इतना भाग क्यों नहीं है तो खैर अल्लाह का शुक्र है सारे काम मैनेज हो गए थे और टाइम से हो गए थे और अलहमद सही से फिर रोज़ा इफ्तार भी हो गई थी बहुत अच्छा हुआ और भाई आप लोग सुनाइएगा आज का दिन आप लोगों का कैसा गुज़रा क्योंकि आज तीसरा जुम्मा था उसके बाद बस एक जुम्मा ही रह गया है फिर उसके बाद ईद आ जाएगी बस आप दस दिन रह गए हैं और ये जल्दी जल्दी से गुजर जाएंगे पता भी नहीं चल रहा चला कैसे चला जाएगा और इतने सारे काम दिमाग में हैं हम लोग अभी से सोचना स्टार्ट हो गए कि कहाँ से स्टार्ट करें ईद की प्रेपरेशन अपनी क्योंकि सबसे पहले होती है सफ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड होने लग जाती हैं अच्छा नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली थी उसके बाद चाय बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ चाय तो सभी पीते हैं तो फिर खैर मैंने सबके लिए चाय बना दी थी और इसी तरह से किया था वजू करने के बाद हम लोग क्या करते हैं चाय चढ़ा देते हैं और जिस तरह से हम नमाज पढ़ के फारिग होते हैं जब तक चाय हमारी जो होती है ना वो रेडी हुई होती है सामने हमारे मामू लेटे हुए हल्की सी झलक मतलब वो तो जाहिर जी बात है ढेर हो गए थे और इफतार करने के बाद और हो गए थे मतलब लेट गए थे रेस्ट थोड़े ना वो कराची रोड साइड वाले वर्ड हमें भी आते हैं बोलने हम लोग कभी कभार बोल लेते हैं अच्छा खैर और आज की रात है ताक रात है तो ज़रूर हमें अपनी दुआओं में अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा आज से स्टार्ट हो गई है ताक रातें ज़रूर जरूर हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज